नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिटर के एमसीक्यूज़। चलिए हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। निम्न में से माप की विधि नहीं है, तो इसमें पहला आंसर है तुलनात्मक माप। दूसरे का आंसर है निम्न में से भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हेमेटाइट है, तो आयरन अयस्क है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा है ब्लूटेन फ्लेम तथा प्रोपेन फ्लेम के अतिरिक्त अन्य कौन सी फ्लेम सोल्डर करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है इसका आंसर। एलन बोल्ट का होल बनाने के लिए 40 ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है मल्टी डायमीटर। धातु के स्प्रिंग निम्न में से किस यांत्रिक गुण के कारण बनाए जाते हैं, तो आंसर इलास्टिसिटी या हिंदी में प्रत्यास्था। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को निम्न में से किस रंग से लेपित किया जाता है, तो आंसर है काला। माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन होती है, तो आंसर है 10। स्नेहक को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो आंसर है ये सभी, क्योंकि द्रवीय, अर्धठोसी और ठोस तीनों प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रेडियल या जर्नल बेयरिंग में लोडिंग कहाँ पर होती है, तो आंसर है इनमें लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण पर होती है। कम दूरी पर भार उठाने के लिए आप कौन सा होइस्ट प्रयोग करेंगे, तो आंसर है रैचेट ऑपरेटर चेन होइस्ट। एकमे चूड़ी के फ्लैंक के बीच का कोण निम्न में से होता है, तो आंसर है 29 डिग्री। कठोरीकृत तापक्रम सामान्य तापक्रम से निम्न में से डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, उत्तर लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, तो इसका आंसर एक्चुअली मिनिमम 30 से 50 होता है, तो मैक्सिमम वाला आप 50 ले लीजिए, इसका 50 आंसर 50। यदि अवकाश कोण बहुत कम हो तो निम्न में से कोण बढ़ता है, तो कौन सा कोण बढ़ेगा, रैक कोण। ऊष्मा सह, जो ऊष्मा को सह सकें ऐसे पदार्थ, प्राकृत अभ्रक का गलनांक निम्न में से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ड्राइवर शाफ्ट को रोके बिना ड्रिवन शाफ्ट को रोकने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है, किस क्लच में सकारात्मक ड्राइव संभव है, तो आंसर है डॉग क्लच। निम्न में से नट को स्टड के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो आंसर है सेल्फ लॉकिंग नट। स्पार्क लाइटर का निम्न में से कार्य होता है, तो इसका प्रयोग ज्वाला जलाने के लिए, स्पार्क मतलब ही होता है आग, तो ज्वाला जलाने के लिए। साधारणतः बेंच वाइस को वर्क बेंच पर निम्न में से ऊंचाई पर फिट किया जाता है, तो आंसर 106 सेंटीमीटर। और या अगर ये ऑप्शन नहीं दिए देते हैं 10, 120, 106, 130, तो आप वहाँ पे एक और ऑप्शन, हिंदी वाले जो अलग ऑप्शन आएंगे उसमें कोहनी की ऊंचाई से आप बुक में देख सकते हैं। खराद मशीन को निम्न में से किस द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है, तो बहुत सिंपल आंसर, केंद्रों के बीच खरादे जाने वाले जॉब की अधिकतम लंबाई से। बेविट मेटल IJK निम्न में से प्रमुख मिश्रण है, तो आंसर है टिन। BS प्रणाली में निम्न में से विचलन है, तो 25 होता है। एब्रेसिव कणों को बांधने के लिए किस रेजिन का प्रयोग किया जाता है, सो सिंथेटिक रेजिन इसका आंसर है। पाइप वाइस कार्य की सतह को निम्न में से बिंदुओं पर पकड़ता है, तो आंसर है 2 बिंदुओं पर। बाहरी माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है, तो आंसर है कास्ट स्टील। एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोलकर रखा जाता है, जिसका नाम है एसीटोन। चेन के को टेंशन देने के लिए निम्न में से स्प्रॉकेट का प्रयोग किया जाता है, जो फिक्स सेंटर के साथ स्प्रॉकेट के बीच ड्राइव को ट्रांसमिट करती है, आंसर है जॉकी स्प्रॉकेट। ऊष्मा सह पदार्थ में अग्नि सह ईंटों के तापक्रम सहन शक्ति निम्न में से होती है, तो आंसर है 1650 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1750 डिग्री फ़ारेनहाइट। कतरनी को निम्न में से अन्य नाम से जाना जाता है, तो आंसर है दस्ती सियरी सियर। निम्न में से आरी की सेटिंग होती है, तो आंसर है टेढ़ी मेढ़ी भी होती है और तरंग भी होती है, आप बुक में ध्यान से देख सकते हैं। लोहारगिरी शॉप में प्रयुक्त निहाई में स्थूलन ब्लॉक निम्न में से कार्य हेतु होता है, तो आंसर है धातु जंपिंग के लिए। निम्न में से ऐसी धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर है
पारा, क्योंकि पारा ही एक ऐसी धातु जो तरल अवस्था में होती है, बाकी सब ठोस में होती है। निचला विचलन वह विचलन है जिसकी साइज निम्नलिखित सीमा बताए, निचला है तो न्यूनतम बताएगी। ड्रिल निम्न में से कैसी प्रक्रिया है, वस्तु में छिद्र बनाने की, निर्मित करने की, स्क्रैपिंग करने के लिए जॉब को निम्न में से किसमें कसकर बांधा जाता है, तो आंसर है वाइस में बांधा जाता है। निहाई निम्न में से धातु की बनी होती है, तो ढलवा इस्पात की बनी होती है। फोर्जा चक के ऊपर बने वृत्त निम्न उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तो बहुत सरल आंसर है चारों जॉ को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करते हैं। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में आने वाले दो दोष निम्न में से कौन से कहते हैं, तो जिसको बोलते हैं जिग जैक। अभ्रक ईंटों का इस्तेमाल फोर्ज भट्टी में निम्न में से लगाने के लिए किया जाता है, तो आंसर है अस्तर। चांदी ब्रेजिंग के लिए पूरक क्षण में चांदी की मात्रा 60% होती है। दस्ती रिवेटिंग करते समय रिवेटिंग के निम्न में से दोष होते हैं, तो आंसर है प्लेट तथा ड्रिल छिद्रों के बीच रेसे होने के। निम्न में से कौन से रोप को वायर स्टैंड के विपरीत दिशा में घुमा कर रखा जाता है, तो आंसर है लैंग रे रोप। हमारे देश में फिट्स के लिए लागू किया गया है, तो निश्चित है BIS लागू किया गया। हमारा देश है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सीसा भार में निम्न में से होता है, तो भारी होता है, ठीक है। ड्रिलिंग करते समय रिविंग अलाउंस रखा जाता है, तो आंसर नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। अपने देश निम्न में से तय की गई लिमिट एवं फिट की प्रणाली अपनाई जाती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। टेपर सैंक ड्रिल में स्टैंडर्ड टेपर बनाए जाने वाले रैंक वाला भाग होता है, मोस्ट टेपर आपने सबसे ज़्यादा सुना है इसका नाम। परस्पर झुकी हुई शाफ्ट को कपलिंग द्वारा जोड़ने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है यूनिवर्सल कपलिंग। रॉट आयरन का गलनांक कितना होता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। बंधक में प्रयोग किए जाने वाले षष्ठभुजाकार हेड बोल्ट का ऊपरी सिरा निम्न में से कोण पर चैम्फर होता है, तो आंसर है 30 डिग्री। कठोरण के सिद्धांत में यांत्रिक गुण निम्न पर निर्भर करता है, तो आंसर है इस्पात में कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।